गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 15, दैट इज द अबाउट वाटर। ओके, आवर अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट फ्रॉम द, अगर हम लोग ऊपर से इन स्पेस से अगर उसको देखें तो अर्थ इज सीन एज अ ब्लू कलर्ड। वो कैसे कलर का शो होगा? ब्लू कलर्ड शो होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। Why? Because the one third part of the earth is surrounded by the water. कैसे? इसका जो suppose it is the earth, तो इसका जो one third part है that is surrounded with water. इसके चारों तरफ क्या है? Water है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? ब्लू प्लैनेट। वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द टोटल सरफेस। यहां पर कितना है आपका? 3/4, ये जो पार्ट है दैट इज द 3/4 पार्ट, एंड हेंस द टोटल, दिस वाई द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। वाटर इज कॉल्ड द नेचर्स मैजिशियन। नेचर का क्या है? एक मैजिशियन। एज इट इज फाउंड इन द नेचर ऑफ थ्री डिफरेंट स्टेजेस में होता है मैजिशियन। इसलिए बोल रहे हैं कि इट में चेंज इट्स स्टेट्स। It may be present in the form of ice. It may be present in the form of water. It may be present into the vapors. ये vapors में के form में भी हो सकता है। It means solid, liquid, and gas. All three stages are available of the water. It is colorless, tasteless, and odorless. इसमें ना तो क्या होता है कोई color है, ना ही इसका कोई taste है, और ना ही इसका क्या है कोई smell है। Even though water is abundant, about 97% of its presence in the seas. 97% कहाँ पर है? समुद्र में है। Oceans and not suitable for the use. इसका use हम लोग नहीं कर सकते, because the water present in the oceans is salty. वहाँ पर किसकी presence ज़्यादा है बेटा? Salt की presence ज़्यादा है। Water is essential for all living beings on the earth. Earth के ऊपर कितने भी living beings हैं, उन सब के लिए ये essential है। प्लांट्स नीड वॉटर फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब रिएक्शन जो आपके पास आई है दैट इज द फोटोसिंथेसिस। मैं आपको फिर से डिस्क्राइब करके बता दूं, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज द कार्बन डाइऑक्साइड इज कलेक्टेड बाय द स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है प्लांट्स के लीफ के अंदर जो छेद है, उनसे क्या होता है? CO2 कलेक्ट की जाती है, एंड वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। रूट्स क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है। देन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में द CO2 गेट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मतलब वो अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन ऑल्सो। दे रिलीज ऑक्सीजन, एंड इस कंडीशन में यहां पर वाटर वेव बनता है, वाटर वेपर्स बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है आपके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें मिलता है, वो प्लांट्स को मिलता है। देन इवन दो द वाटर, कहां पर पहुंच गए? प्लांट्स नीड वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। किसी भी सीड को उगने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? नमी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन अ डे टू डे लाइफ। ठीक है, वाटर इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी टू परफॉर्म अ फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, इट अलाउज ब्लड टू फ्लो थ्रू अ ब्लड वेसल्स। इट अलाउज ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स द कैपिलरीज दैट इज कैरिंग द ब्लड इन आर बॉडी। जिसके अंदर क्या होता है? वाटर की प्रेजेंस, अगर वो लिक्विड नहीं है तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। ओके, इट कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर ऑल्सो। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी एज स्वेट एंड यूरिन। स्वेट पसीना, यूरिन मीन्स टॉयलेट, इन दोनों का जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज द वाटर। अगर ये नहीं हो तो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट नहीं होंगे हमारी बॉडी से।
इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सही बात है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वेस्ट एंड यूजफुल। वाटर इज कॉल्ड द रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल, व्हाट डू मीन बाय द रिन्यूएबल? रिन्यूएबल मीन्स इट मे बी, इट कैन बी रिन्यूड आफ्टर यूजिंग इन टू द डिफरेंट फॉर्म्स। वाटर मे बी यूज एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई ट्रांसफॉर्मिंग। वाटर एनर्जी को हम लोग किस में यूज कर सकते हैं? वाटर एनर्जी को स्टीम एनर्जी के फॉर्म में भी चेंज करते हैं, सोलर एनर्जी के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या बोला उसने, इट कैन बी रिप्लेनिश्ड, इट कैन बी रिप्लेनिश्ड आफ्टर यूजिंग, बट इफ दिस रिन्यूएबल सोर्स इज यूज एक्सटेंसिवली, ज्यादा यूज हम लोगों ने कर लिया है, करेंगे, विदाउट गिविंग अ चांस टू रीजनरेट, इसको बनने से पहले ही हम लोग यूज कर रहे हैं, इट माइट गेट एग्जॉस्टेड, ये खत्म हो जाएगा। एवरी एफर्ट शुड देयरफॉर बी मेड इन द रिन्यूअल ऑफ दिस रिसोर्स बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। डू यू नो अबाउट द एक्चुअल कंजप्शन ऑफ वाटर दैट हैपेंस इन हमारे हाउस होम्स? हमारे होम्स के अंदर कितना वाटर कंज्यूम हो रहा है वो हमको पता है क्या? देखो क्या है, उसके बाद में आपके पास सोर्स आ रहे हैं। देखो सोर्सेज ऑफ वाटर, कौन कौन से सोर्सेज हैं? सोर्सेज, रेन इज द मेजर एंड प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। रेन जो होता है वो नेचुरल वाटर का प्योर सोर्स है। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर, इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। वेयर डज द ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम, कहां से आता है ड्रिंकिंग वाटर? पीपल्स इन द विलेजेस ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, ट्यूब वेल्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, व्हाइल इन द सिटीज पीपल मोस्टली गेट इट फ्रॉम द टैप्स। सिटीज में क्या होता है, नल से पानी आ रहा है वहां पे, बट इन द विलेजेस वाटर इज अवेलेबल इन द वेल्स, इन द ट्यूब वेल्स, इन द पॉन्ड्स, इन द रिवर्स। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर एंड हाउ द वाटर रीचेस टू टैप, कहां से टैप तक पहुंचता है? वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम सम नियर बाई वाटर सोर्सेज, आस पास के जो वाटर सोर्सेज है वहां से आता है। सच एज अ रिवर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप, रिवर से छोटे छोटे पाइप के नेटवर्क से आता है। वाटर सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप, सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर जो सरफेस पे अवेलेबल है, अंडरग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड में है। एज द नेम सजेस्टेड इट रेफर्स टू वाटर अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर क्या है जो वाटर बॉडीज है उनकी बात कर रहा है। दैट आर लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, झीले, नदियां और स्ट्रीम मतलब झरने। दीज सोर्सेज गेट वाटर फ्रॉम द रेन एंड मेल्टिंग स्नो, बर्फ के पिघलने से और रेनिंग से जो वाटर आता है वो इनमें इकट्ठा हो जाता है। स्नो फ्रॉम द माउंटेन पीक्स, वाटर फ्रॉम द रिवर्स फ्लोज अक्रॉस द लैंड, लैंड के साथ साथ बहता है अक्रॉस द लैंड एंड डिजोल्व द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज। इसके अंदर क्या होगा, जब नदी बहकर आती है तो बहुत सारी सब्सटेंसेज इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट्स। वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेज देन एनी अदर लिक्विड, वाटर क्या करता है ज्यादातर सब्सटेंसेज को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, एंड हेंस इट इज नोन एज द यूनिवर्सल सोल्यूट, सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल, सॉरी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स इन टू इट, अपने अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स को, ये मैक्सिमली सॉल्यूट्स को क्या करता है, मिक्स कर लेता है या डिसॉल्व कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। रिवर्स फाइनली फ्लोज इनटू सी एंड ओशंस, रिवर्स कहां पर चली जाती है, समुद्रों में, और समुद्रों में चली जाती है। डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द वाटर मेक्स द सी वाटर सलाइन एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जो सॉल्यूट जो मिक्स हो गए हैं, जो सॉल्यूट जो सब्सटेंसेस के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं, दैट मेक्स द वाटर फॉर वाटर नॉट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग। वॉटर इज सलाइन, सलाइन का मतलब उसके अंदर नमक, या भी बोलते हैं इसको, ये खारा हो गया पानी। देन आफ्टर डू अंडरग्राउंड वॉटर, नीचे की तरफ कौन सा वॉटर है? ड्यूरिंग द रेनफॉल पार्ट ऑफ द रेन वॉटर सीप्स थ्रू द सोइल, क्या बोला उसने, जैसे रेनिंग हो रही है तो सम ऑफ द पार्ट इज पेनिट्रेटेड थ्रू द सोइल इनसाइड Till it meets the bedrock. Bedrock is solid rocks underlying loose deposited such as soil. Soil के नीचे की तरफ जो rock है उसको बोलते हैं bedrock, और उस bedrock के अंदर से water क्या होता है, नीचे चला जाता है। As water cannot penetrate further, ज्यादा penetrate नहीं होगा, it gets accumulated there. क्या हुआ कि वहां पर पानी इकट्ठा हो गया, ज्यादा नीचे नहीं जा पाया।
देयरफॉर टू फॉर्म अ रिजर्वर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इसलिए क्या होता है वो क्या करता है, एक रिजर्वर बनाता है अंडरग्राउंड वाटर का, इट इज नोन एज द एक्वीफर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्वीफर, एक्वीफर इज फाउंड लोअर टू द या फिर अंडर द सोइल, सोइल के नीचे जो बेड रॉक है वहां पर क्या है एक्वीफर होता है, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज द वाटर टेबल, क्या बोला उसने, द लेवल ऑफ वाटर अंडरग्राउंड इज नोन एज द वाटर टेबल, वो क्या है आपका वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर कैन बी पम्प्ड आउट थ्रू द ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स फॉर आर यूज, ट्यूबवेल और हैंडपंप से हम लोग क्या करते हैं ग्राउंड वाटर को पंप्ड आउट कर लेते हैं, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हैज द लेफ्ट द मेजोरिटी ऑफ द लैंड कवर्ड बाय द कंक्रीट, क्या बोला उसने कि रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है दे हैव टू यूज द लैंड फॉर हाउसिंग, हाउसिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है लैंड एरिया की जरूरत पड़ती है, लैंड एरिया इज क्लीन्ड फॉर मेकिंग द हाउसेज एंड मोर रोड्स आर कंस्ट्रक्टिंग, वहां पे बिल्डिंग्स बन रही है, रोड बन रही है, पब्लिक पार्क्स के अंदर भी नहीं है, पब्लिक पार्क्स में नहीं है वहां पर रोड्स बन रही है, मोर एंड मोर कंक्रीट वहां पर इकट्ठी हो रही है, देन द उससे क्या हो रहा है, द इफेक्ट इज व्हाट, द पेनिट्रेशन डज नॉट टेक प्लेस, वाटर जो नीचे जा रहा था अब वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, देन एज अ रिजल्ट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर हैज चांस टू गेट एब्जॉर्ब इन द सॉइल, आई बात समझ, ज्यादा से ज्यादा वाटर जो एब्जॉर्ब हो जाता था आज वो नहीं होता है, एंड हैव द रेज इन वाटर टेबल, इंस्टॉलिंग टू मेनी ट्यूबवेल्स विल नॉट ओनली विल ओनली ब्रिंग्स डाउन द वाटर टेबल अप फर्दर, क्या बोला, ट्यूबवेल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा ट्यूबवेल इंस्टॉल हो गए, अगर बहुत ज्यादा खुद गए तो इससे क्या होगा ब्रिंग डाउन द वाटर टेबल फर्दर, इससे क्या होगा वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, क्योंकि आज थोड़ी सी दूर में 1 किलोमीटर के एरिया में 50 ट्यूबवेल होते हैं, ठीक है, हर किसी के घर में क्या है ट्यूबवेल बनवा रखा है लोगों ने, तो क्या हो गया हर किसी के खेत में 2 3 4 बोरिंग कराए हुए हैं, तो वहां पर क्या होगा वाटर टेबल नीचे ही जाता है क्योंकि उन सबसे पानी निकलता है, ठीक है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इन द समर्स, वाटर क्या होता है समर्स में वाटर क्या होगा इवेपोरेटेड हो गया, बहुत ज्यादा उड़ गया है, क्या बोला उसने, व्हेन वाटर गेट्स हीटेड इट्स टेम्परेचर राइजेस, एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस इट चांसेस इन टू गैसेज, इट चेंजेस इन टू गैसेज स्टेट, दिस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन, इसको क्या कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं वो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एडिशन टू द टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ह्यूमिडिटी एंड विंड ऑल्सो अफेक्ट द इवेपोरेशन, ज्यादा अगर कम नमी है तो इवेपोरेशन जल्दी से हो जाएगा, ज्यादा नमी है तो इवेपोरेशन लेट होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत कम है तो इवेपोरेशन कम होगा, द फर्स्ट एक्टिविटी ऑन विच ऑन दिस पेज शोन ऑन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन, द फर्स्ट एक्टिविटी ऑन दिस पेज, यहां पर जो एक्टिविटी है वो क्या शो कर रही है इवेपोरेशन को शो कर रही है, द नेक्स्ट एक्टिविटी शोज दैट द लार्जर इज एक्सपोज सरफेस फास्टर इज द इवेपोरेशन, क्या बोला उसने कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है वाटर का तो वह क्या होगा वहां से इवेपोरेशन बहुत ही ज्यादा होता है, और अगर छोटर एरिया में वहां पर पानी है तो हम लोग उसका जो इवेपोरेशन है बहुत कम होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये बातें हैं घर में जो वैब लगा जो मोब लगाते हैं हम लोग पोछा लगाते हैं घर में दैट गेट इवेपोरेटेड फास्टर, और घर में एक गिलास के अंदर जो पानी रखा हुआ है वो इवेपोरेट नहीं हो रहा बिकॉज द सरफेस एरिया ऑन विच द वॉटर इज पिल्ड ऑफ, बाहर की तरफ बिखरा हुआ है पानी फैला हुआ है उसका एरिया क्या है कम कम ज्यादा होने से इवेपोरेशन पे वेट पड़ता है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज टू गेट द सॉल्ट फ्रॉम द सी वॉटर, इवेपोरेशन से क्या कर सकते हैं हम लोग सी वॉटर को एक जगह कलेक्ट करके क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं सॉल्ट गेट कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, विल डिस्कस द कंडेंसेशन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ओके इट इज इनफ फॉर टुडे, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड आस्क टू मी वेदर यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस और कोई भी डिफिकल्टी अगर आपको आती है तो यू कैन आस्क टू मी, ओके इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।